बिल्कुल थक चुके हैं घर को। Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good, fill my head full of every single doubt, yeah. Please say any negative thoughts, I pop off when I hear people say I cannot. I get off to the thought of proving everyone wrong. I won't stop to the top, so you better back off or get lost. I'ma stay loud, stay proud, never running out, never heading south. I'll be spreading out, call it word of mouth, can't put me down, I'll be getting loud. You can never douse, not what I'm about, have your f***ing loud. खैर अभी हम आए थे, वैसे तो अभी हम थे मतलब ये चाय हाईवे किंग्स, अभी हमारा नाश्ता हुआ है और माहौल कुछ ऐसे है ना कि आज हम निकले हैं एक ट्रिप पर और किधर की साइड हम जा रहे हैं वो तो पूरा वीडियो देखने पर पता ही चल जाएगा। तो अभी हम निकलते हैं इधर की साइड से और ये है हमारी सामने बाइक, इसके अंदर हम जा, इसके अंदर तो क्या मतलब इसके हम जा रहे हैं आज का जो हमारा ट्रिप है, चलते हैं। तो भाई लोग आफ्टर सो मेनी डिफ़िकल्टीज़ मतलब रास्ते की दौड़, ऊपर से ट्रैफिक, देन उसके बाद धूल मट्टी के बाद फाइनली हमारी ये हो गई है पहली डेस्टिनेशन जो कि है डंपिंग यार्ड। और भाई मेरा तो ये पहला एक्सपीरियंस है और पहला एक्सपीरियंस मैं बताऊँ ना अपना, तो ये अभी रियलिटी में अगर मैं जो अपनी आँखों से देख रहा हूँ ना, कैमरा जस्टिफाई कर पा रहा है ये नहीं पता है, इतना खूबसूरत लग रहा है ना कि बस पूछो मत। मतलब मेरे हिसाब से तो ये मस्ट वॉच प्लेस है जो कि नियरेस्ट है जयपुर के, ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर्स आप कह सकते हैं, 100 किलोमीटर्स या फिर 80 किलोमीटर्स। तो अभी हम यहाँ पे फ़ोटो कैप्चर करते हैं और व्यू का थोड़ा मज़ा लेते हैं, देन उसके बाद हमारा जो अनदर डेस्टिनेशन होगा ना वो आप वैसे तो देख ही लोगे इधर की साइड। फाइनली वी हैव रीच एट अनदर लोकेशन जो हमारी सेकेंड लोकेशन है, फर्स्ट हम गए थे डंपिंग यार्ड, सेकेंड जो हमारे लोकेशन होने वाली है वैसे तो हम उस लोकेशन के नियरेस्ट कैफ़े के अंदर है जिसका नाम है मैंगो करी कैफ़े करके, जो काफ़ी देखने में तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। अभी खैर मैं नीचे के साइड जाऊँगा, उसके कुछ शॉर्ट्स आपको दिखाऊँगा जिससे आप चेक कर सकते हैं कि ये कैफ़े कैसा है, और जैसे जैसे हम आगे जाते जाएंगे ना वैसे वैसे आपको एक्चुअल जो डेस्टिनेशन है वो पता लग जाएगी जिससे आप इस पर्टिकुलर कैफ़े का लोकेशन भी चेक कर सकते हैं। सो अभी हम दोनों ने एक्चुअली क्या किया है ना, दो चीज़ हमने ऑर्डर की है। फर्स्ट हमने ऑर्डर किया है कैफ़े फ्रैपे, मतलब दोनों ही हमारे फ्रैपे हैं, हम दोनों कैफे फ्रैपे पीने वाले हैं। सो अभी जाते हैं उस फ्रैपे को इन्जॉय करते हैं, देन उसके बाद जो हमारी सेकेंड लोकेशन होने वाली है हम वहाँ पर पहुँचेंगे एंड देन हम जो हमारा डेस्टिनेशन है जिस जगह को हम एक्सप्लोर करने के लिए आए हैं वो हम डिस्क्लोज करेंगे। तो मैं बने रहिएगा सो दैट आप एंजॉय कर सकें वीडियो को और हमारी आने वाली लोकेशन।
भाई लोग फाइनली हमारा जो सेकंड डेस्टिनेशन है ना वहाँ पर हम पहुँच गए हैं, और डेस्टिनेशन का कुछ व्यू आप पीछे से देख ही सकते हो। मेरे पीछे है पानी, और फाइनली मैं थोड़ा डिस्क्लोज करता हूँ इस डेस्टिनेशन का नाम। अभी मैं हूँ अजमेर के अंदर, और ये लोकेशन है आना सागर, और इसी डेस्टिनेशन के थ्रू आप उस कैफ़े का भी रूट चेक कर सकते हो जो कि इसके नियरेस्ट 1.9 किलोमीटर के डिस्टेंस में है। अभी हम जाने वाले हैं इस पानी में बोटिंग का मज़ा लेने के लिए, सो अभी चलते हैं कुछ सिनेमेटिक का एंजॉय करते हैं। खैर फाइनली टिकट ले लिया है, 300 रुपये पर पर्सन, 600 रुपये का दो टिकट हम दोनों को मिला है। और जो खुफिया बात ये है ना कि यहाँ पर कैश ही चलता है, और कैश हमारे पास था नहीं। पहले तो मैं सोच रहा था कि भाई एटीएम से निकलवा लेंगे, पर घूमने के चक्कर में क्या हुआ है ना, कैश निकलवाना ही भूल गया। सो वैसे तो बोट उधर की साइड पीछे की साइड खड़ी हुई है, और हमारे को थोड़ा वेट करना पड़ेगा क्योंकि वो 3-4 लोग ज़्यादा होंगे, देन उसके बाद ही हम जा पाएंगे स्पीड बोट के अंदर। एंड जो मैं इम्पोर्टेंट चीज़ बता रहा था ना, आनंद सागर के आने के लिए पहले तो कैश लेकर आओ, उसके अलावा अगर कैश नहीं है तो यहाँ पे बंदा खड़ा रहता है, जो 30 रुपये उसने हमसे एक्स्ट्रा लिए और उसने हमारा कैश पे किया है। सो अब मैं डायरेक्ट बोट में मिलता हूँ, फिर उसके बाद बोट के सिनेमेटिक दिखाते हैं आपको। बोर्डिंग के बाद है ना, मैं थोड़ा सा आगे निकला और मुझे ये पीछे एक रेस्टोरेंट दिखा है जो कि नाम है जलमहल रेस्टोरेंट के सामने। मतलब जब आना सागर से आप थोड़ा सा आगे की साइड आते हो ना, तो ये मतलब लेक व्यू के साथ एक रेस्टोरेंट है, उसके कुछ सिनेमेटिक शॉट मैं इसके अंदर दिखा दूंगा। खाना कैसा है वो मुझे नहीं पता है, क्योंकि अब अभी हम यहाँ पे खाना नहीं खा रहे, क्योंकि हम ऑलरेडी थोड़ा बहुत आगे रेस्टोरेंट में खा चुके हैं पहले ही, और उससे पहले हम जो हमारा ब्रेकफास्ट था ना वो भी काफ़ी हैवी हो गया था। और यहाँ पर ना ऑलमोस्ट 2 फ्लोर मुझे दिख रहे हैं, एक तो ये जो नीचे बेसमेंट वाला ये जो ग्राउंड फ्लोर है वो है, और उसके ऊपर ये आपको दिख रहा होगा एक वहाँ पे भी है खाना वाना खाने के लिए। सो इवनिंग में तो मोस्ट प्रोबेबली बहुत शानदार ही व्यू आता होगा। तो अभी यहाँ का सिनेमेटिक एंजॉय करिए, देन उसके बाद मैं आपको अनदर डेस्टिनेशन पर मिलता हूँ। हम थोड़ा पहाड़ों का नज़ारा लेने के लिए रुके हैं, तो यहाँ पे हमारे ललित ले रहे हैं वीडियो के शॉट्स, और कुछ इस तरीके से नज़र आ रहे हैं पहाड़। तो कुछ शॉट इधर से लेते, देन उसके बाद 2.5 दिन के झोपड़े का कुछ व्यू मैं आपको दिखाऊंगा, देन उसके बाद हम जाएंगे अजमेर की मेन दरगाह। फिर लेट्स सी कहाँ पर हम खाना खाते हैं, जहाँ पर भी खाएंगे वो मैं इस वीडियो में मेंशन करने वाला हूँ। चल सी यू इन 2.5 दिन का झोपड़ा। सो 3, 2, 1 लेट्स गो। भाई लोग इस चिलचिलाती हुई धूप के अंदर और मार्केट के अंदर थोड़ा सा वॉक होने के बाद फाइनली हम पहुंच गए हैं 2.5 दिन का झोपड़ा, जो कि जस्ट मेरे पीछे की साइड है। वैसे 2.5 दिन का झोपड़ा जो मेरे को गूगल पे जितना इन्फॉर्मेशन मिली, इसलिए कहा जाता है कि ये 2.5 दिन में बनकर तैयार हो गया था, सो दैट इस पूरी मस्जिद को 2.5 दिन का झोपड़ा कहा जाता है। वैसे इसके अंदर जैसे आप एंटर करते हो ना, तो इसके अंदर मस्जिद है जहाँ पे 5 वक्त नमाज भी होती है, तो अगर कोई आता है और नमाज़ पढ़ता है तो वो नमाज़ भी यहाँ पर पढ़ सकता है। अभी हम इस जो ओल्ड हेरिटेज है पूरे को थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं और देखते हैं इसमें क्या क्या है। बाकी आप इन्जॉय करिए सिनेमैटिक।
जी फाइनली अभी हम आ गए हैं मेन दरगाह से बाहर, है ना। वहाँ पे कैमरा वगैरह अलाउ नहीं था तो हमने कैमरा को बाहर ही रख दिया था, बट जो छोटे मोटे वीडियोस हैं थोड़े बहुत हमने फ़ोन से रिकॉर्ड किए हैं। बाकी मेरे जो पीछे है ना ये लॉकर रूम है, यहाँ पे नहाने की भी फैसिलिटीज़ है एंड आप अपने कपड़े वगैरह लगेज वगैरह सब कुछ रख सकते हो, काफ़ी सेफ़ है। मैंने भी अपना बैग यहीं रखा था और ये कैमरा भी इधर की साइड ही रखा था। सो अगर आप बैग रखते हो तो 30 रुपये दिन, नहाना और आपको वॉशरूम जाना है तो 2-2, 3-3 रुपये का है, टोटल 32 रुपये का मसला है इधर की साइड। तो आए, अगर आप ये जो दरगाह का 10 नंबर वाला गेट है ना उससे बाहर निकलते हैं आपको मिल जाएगा, पूछोगे भी ना तो भी मिल जाएगा। तो एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी वो आपके साथ शेयर करनी थी। अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं वापस अपनी बाइक के वहाँ, देन उसके बाद अब हम जाएंगे खाना खाने क्योंकि बहुत टाइम हो गया है, इट्स लाइक ऑलमोस्ट 3:47। तो खाना खाने का भी टाइम हो गया है तो अभी यहाँ से निकलते हैं खाना खाते हैं, फिर उसके बाद अभी आपको थोड़ी देर में मिलता हूँ मैं। वेलकम बैक अगेन। वैसे हमने ऑलमोस्ट सारा सब कुछ देख ही लिया है अजमेर के अंदर, नाउ इट इज़ टाइम वापस घर जाने का। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, अब मैंने जो आपको रेस्टोरेंट दिखाया था जो लेक व्यू कैफ़े है, मतलब ये पूरा का पूरा है, ये अभी हम टेरेस के साइड है, यहाँ से पूरा का पूरा ये जो आना सागर है वो दिखता है। अभी हमने यहाँ पे फूड ट्राई किया था जिसमें हमने मिक्स वेज ऑर्डर किया था और उसके अलावा हमने दाल बाटी यहाँ पे टेस्ट करी थी। मतलब चेंजेस इतना है कि आप नीचे ग्राउंड फ्लोर में खाते हो, ग्राउंड फ्लोर या फर्स्ट फ्लोर आप खेलो उसको, अगर आप वो वहाँ पर खाते हो तो वो 100 समथिंग का दिन ऊपर आते हैं आपके, 100 रुपीज़ एक्स्ट्रा हो जाते हैं। सो इट वॉज़ लाइक दैट। खाना ठीक है, अच्छा था, सो एक्सपीरियंस वॉज़ गुड और लोकेशन भी अच्छी है, शाम को तो और ज़्यादा खूबसूरत लगती है ये। बट समाओ कभी हम शाम को आएंगे तो मैं आपको ये नज़ारे शाम को भी दिखाऊंगा। अभी के लिए खैर यहीं पर हम वीडियो को समाप्त करेंगे एंड आपको बताना है कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, कैसा लगा आपको अजमेर हमारे नज़रिए से। देन आई विल सी यू अगेन इन अनदर एपिसोड एंड अनदर ब्लॉग। थैंक यू सो मच, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। खाओ खाओ रमीज़, रमीज़ खाओ खाओ।